अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सहरी का खाना तो टेस्टी रहता है, लेकिन जो लोग सहरी करते हैं उनके ऊपर अल्लाह सुबहाना व तआला की रहमत भी बरसती है। आजकल लोग खाने के लिए ज्यादातर बाहर ही जा रहे हैं, जहाँ पर उनकी फेवरेट डिश रहती खिचड़ी, खट्टा और खीमा। ज्यादातर होटल में बैठने के लिए जगह नहीं रहती, वहीं दूसरी जानिब टेस्ट के नाम पर अच्छा सा बिल चिपकाते। लेकिन ये सब खाने के लिए आपको सहरी में उठना रहता। पहले क्या था, सहरी में उठाने वाले आते थे। लेकिन आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हल्क भाई को भी AI ने मुसलमान बना दिया। पहले आपको पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल पंप तक जाना पड़ता था, लेकिन आजकल EV आ चुकी है, यानी कि चार्जिंग की गाड़ियाँ आ चुकी है और इसमें नए फीचर्स भी आ रहे हैं। और इन गाड़ियों में ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हुए स्पीकर के जरिए से कुछ भी प्ले किया जा सकता है। इसी का इस्तेमाल भाई किस तरह से कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लोगों को सहरी में उठाने के लिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां सहरी में उठाने वालों की जॉब छीन रही है। अभी ये वीडियो देखने के बाद में काफी सारे नौजवान जिनके पास EV व्हीकल है, वो लोग बोल रहे थे कि अब वो भी बस्ती में निकलेंगे और पूरे गाड़ी के पैसे निकाल लेंगे। और हमने आपको वीडियो बताया था किस तरह से नमाज में सेल्फी लेकर सोशल मीडिया के ऊपर फेमस होने के लिए लोग वीडियोस डाल रहे हैं। हम लगातार इस फितने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस फितने के खिलाफ आवाज उठाए। अल्लाह सुबहाना व तआला के सामने अगर आप दिखावे की नमाज पढ़ेंगे तो वो दिखावे की नमाज आपकी कबूल ही नहीं होगी। अल्लाह सुबहाना व तआला ने तमाम मुसलमानों के ऊपर नमाज फर्ज की, लेकिन नमाज को भी लोगों ने तमाशा बनाकर रख दिया है। नमाज की हालत में लोग इस तरह की घटिया हरकतें कर रहे हैं और यही नहीं, सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस भी डाल रहे हैं इसके। और लोगों का हाल तो ये है कि इस तरह की गलत हरकतें देखने के बाद भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध रहे हैं। और ईमान वालों की निशानी तो ये होती है कि अगर वो गलत देखे तो उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। किस तरह से तरावी की नमाज में फैन को लेकर तमाशा किया जा रहा है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अल्जीरिया के बिल्ली वाले मौलवी साहब का वीडियो हमने हमारे चैनल के ऊपर डाला था, हो सकता है आप लोगों को याद होगा। मुसलमानों को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, यही नहीं नेटफ्लिक्स के ऊपर सीरीज बनाई जाती है, काफी सारी मूवीज बनाई जाती है। इमाम साहब का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, जिसके बाद में काफी सारे गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की खूबसूरती पता चली। ये वीडियो देखने के बाद में काफी सारे गैर मुस्लिम आकर कमेंट कर रहे थे और कह रहे थे कि इस्लाम इज ऑल अबाउट लव। गवर्नमेंट की जानिब से इमाम साहब को अवार्ड भी दिया गया, बड़े बड़े लोग इमाम साहब से मिलने के लिए आ रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब छोटे छोटे बच्चे भी किस तरह से इमाम साहब से मिल रहे हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लोगों ने करोड़ों रुपए खर्चा किए इस्लाम को बदनाम करने, वहीं दूसरी जानिब एक छोटी सी बिल्ली आई, एक वीडियो वायरल हुआ और लोग इस्लाम से मोहब्बत कर रहे हैं। और हो सकता है कि लोग इसी वजह से काफी सारे लोग इस्लाम को जाने और इस्लाम को कबूल भी करें। तो आप लोगों की क्या राय इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।